यूपी में भाजपा को लोकसभा चुनाव में जोरदार झटका लगा, जिसका नतीजा ये रहा कि भाजपा बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। लेकिन भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब भाजपा की टेंशन उनकी सहयोगियों ने ही बढ़ा दी है। पहले अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम योगी को पत्र लिखकर उनको घेरा था, तो वहीं अब भाजपा के एक और सहयोगी निषाद पार्टी ने यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर अपना दावा ठोक दिया है। इसके लिए उन्होंने भाजपा पर दबाव बनाया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जो विधायक सांसद चुने गए हैं उनकी सीट खाली हुई है, इस सीट पर उपचुनाव होना है। यूपी में ऐसी 10 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होगा। इनमें से 2 सीटों पर निषाद पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारने की बात कह दी है। बीते बुधवार को निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि निषाद पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मिर्जापुर की मझवा और अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट पर अपने सिंबल से चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है और 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ा दिल रखते हुए उन्होंने हमें 15 सीटें दी थी। इसमें मझवा एवं कटहरी भी शामिल थी। उपचुनाव में निषाद पार्टी इन दोनों सीटों पर अपने दावेदारी करेगी और प्रत्याशी उतारेगी। हम डिमांड वाले नेता नहीं, डिमांड वाले नेता नहीं है। हम इस लायक जरूर हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, प्रधान मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री बुलाते हैं, इस पे चर्चा करते हैं और जो जीत वाली सीट होती है, कितनी सीटें देना बता देते, इतनी सीटें तुम्हें मिलेंगी, उतनी सीटें हमें मिल जाती है और कौन लड़ेगा उस पर हम दोनों आदमी चर्चा करते। इसीलिए तो हमें 15 सीटें मिली थी, 11 हारी हुई, मैंने खुद कह के लिया था और उसमें 11 में से 9 जीत कर दिया, मैंने 11 विधायक हमने बनाया। तो हम लोग तय करते हैं 2 सीटें पहले से भी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है और कि जो दल जिसमें लड़ा रहा था वो उसको दे देते हैं। बता दें कि मिर्जापुर की मझवा सीट से निषाद पार्टी के ही विधायक विनोद बिंद के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। भाजपा ने विनोद बिंद को भदोही लोकसभा सीट से अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाया था और उन्होंने जीत भी हासिल की है। इसी तरह अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट पर सपा के विधायक लालजी वर्मा थे, अब अम्बेडकर नगर से सांसद बन गए हैं लालजी वर्मा, जिसके चलते उनकी सीट भी खाली हो गई है जिस पर उपचुनाव होगा। तो उपचुनाव नजदीक आते ही भाजपा के सहयोगी ने अपनी डिमांड तेज कर दी है, जिसने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। We'll be right back.